इधर भिवानी पहुंचे डिप्टी सीएम ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर कहा कि अगर सत्ता में होते तो पेंशन 5100 रुपए करते। साथ ही कहा गठबंधन सरकार में फैसले मिलकर लेने होते हैं, ऐसे में मैं इससे भी खुश हूं कि पेंशन 250 रुपए तो बढ़ाई गई है। इस दौरान ओपीएस पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ओपीएस के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला होगा। बजट की सराहना करते हुए कहा कि विपक्ष का काम है आलोचना करना और बजट को लेकर भी विपक्ष यही कर रहा है। चलो 250 रुपए तो बड़ी और ये कोई अंत तो नहीं है। अगर हम 3 साल में 750 रुपए बढ़ाइए, इसको आगे और बढ़ाएंगे। और ये तो चीज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और सारे जानते हैं, अगर मेरे 45 होते तो 45 के साथ से पहले दिन बढ़ जाते। मगर गठबंधन है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इसके अंदर दोनों पार्टियां चर्चा करती है और दोनों पार्टियां चर्चा करके ही फिर इस पे आगे कदम उठाती है। एक कमेटी बनाई है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, कमेटी ने इस पे दोनों कर्मचारी संघों से भी और अपने व्यू पॉइंट्स भी कलेक्ट करके सरकार को रिपोर्ट देगी, उस पे आगे की कार्रवाई। विपक्ष का काम किसी बजट के बाद भी बजट को सराहना नहीं, उसका विरोध करना होता है और वही चीज कांग्रेस कर रही है।